बताइए ट्राई किया था, ट्राई किया, डिवाइड किया था किसमें? प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइड किया था किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकी, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकी डिवाइड किया था बेटे किसमें? टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, और ये डिवाइड किया था टर्मिनल ब्रोंकियोल में। तो बेटा यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बेटा कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड हैव दे हैव सी शेप्ड और इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है बेटा इसमें भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको। ये डिवाइड करती है बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डिवाइड करती है, और इसमें जब डिवीजन होता है बेटा तो ये कन्वर्ट होती है एल्वियोलर डक्ट, इन सब में अब आगे कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाया जाता है ना, और ये जो एल्वियोलर डक्ट है बेटा ऐसे आ रही है एल्वियोलर डक्ट, ये मैंने बनाया है, ये एल्वियोलर डक्ट अगर मैंने बनाया है तो थोड़ा सा इसमें स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एट्रिया, ठीक है, और एट्रिया है, एट्रिया है एल्वियोलर सैक, मतलब दीज आर द एल्वियोलर एल्वियोली इसको बोलते हैं बेटा एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। इसमें ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है बेटा एल्वियोली, इसी को बोलते हैं क्या एल्वियोली या एल्वियोलर सैक या सॉरी एसिनी, ये जो छोटे छोटे हैं बेटा इनको क्या बोलते हैं, ये पूरा एल्वियोलर सैक है मेड बाय एल्वियोली और एसिनी, और यही जो होता है बेटा मिनिएचर ऑफ लंग होता है, मिनिएचर ऑफ लंग्स। यहां तक समझ में आ गया? मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको था, मैंने लास्ट क्लास में यहां तक बताया था क्या? बोलो कुछ तो बोलो, नवदीप मोहित वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ये जो एल्वियोली होती है ना बेटा एल्वियोली, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। एल्वियोली जो होती है बेटा 300 मिलियंस इन
टू लंग्स, दोनों लंग्स में मिला के कितना होते हैं बेटा, ये लगभग 300 होते हैं। और यही पे क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है बेटा वो यही पे होता है, ठीक है। अब हम एक एल्वियोली बना रहे हैं यहाँ पे देखो, ये है एल्वियोली, मैंने क्या बनाया बेटा एल्वियोली, और ये जो बना होता है वो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे और फिर से लिखेंगे। अभी थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, ये मैंने एल्वियोली बनाया है, सिंगल एल्वियोली। इसमें जो सेल्स पाई जाती है बेटा, ये जो सेल्स हैं ये दो तरह की होती है, ये सेल्स दो तरह की होती है बेटा। पहली होती है टाइप ए, टाइप वन सेल्स एंड टाइप टू सेल्स। टाइप वन सेल्स एंड टाइप टू सेल्स। टाइप टू सेल्स सेक्रीट लेसिटिन, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बेटा। लेसिथिन क्या होता है बेटा, ये फॉस्फोलिपिड्स। अब ये लेसिथिन कहां पे आएगी बेटा, ये देखो ये लेसिथिन की लेयर पाई जाती है इंटरनली, मतलब कि एल्वियोली इंटरनली लाइंड बाय लेसिथिन सेक्रेटेड बाय टाइप टू सेल्स ऑफ एल्वियोली। क्लियर है, ये देखो लेसिथिन सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है लेसिथिन का, लेसिथिन का काम है बेटा टू कीप ऑलवेज ओपन, टू कीप ऑलवेज ओपन ऑफ एल्वियोली, ऑलवेज ओपन एल्वियोली, ठीक है। मतलब इस एल्वियोली को लगातार ओपन रखती है। अब एक बात में ध्यान से सुनो, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेटा ना, वहां पे मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा अर्थ वर्म है, आपने देखा होगा अर्थ वर्म को, देखा होगा कि इसको मैं मिटा देता हूं, अर्थवर्म को देखा होगा आपने कि अगर ये अर्थवर्म है, इसकी स्किन से रेस्पिरेशन होता है इसमें, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है बेटा, स्किन से, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और यहां पर CO2 रिलीज कर देता है। तो इसकी स्किन मॉइस्ट होती है बेटा, स्किन बहुत ही इसकी मॉइस्ट होती है, मतलब जहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वहां पे मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये एल्वियोली है, ये ब्लड वेसल है, यहां पे ब्लड वेसल्स होती हैं, यहां से ऑक्सीजन यहां पे आती है और यहां से CO2 यहां जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे हो रहा है। तो यहां पे एल्वियोली के अंदर मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो मॉइस्ट रखते हैं, म्यूकस होता है, और अगर म्यूकस होता है बेटा तो जैसे ही हम एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब हवा को बाहर निकालें, तो ये जो एल्वियोली है ऐसे कोलैप्स कर जाएगी, पूरा लंग्स कोलैप्स कर सकता है। तो उससे बचने के लिए बेटा लेसिथिन होती है, जो लेसिथिन होती है बेटा एल्वियोली को
आपस में कोलैप्स होने से बचाती है, तो मतलब लेसिथिन प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, लेसिथिन प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब बेटा ड्यू टू स्मोकिंग, स्मोकिंग एक रीजन है, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं ना, अगर लेसिथिन का सेक्रेशन अगर कम हुआ है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टार लगा ड्यू टू डिक्रीज या रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन, अगर लेसिथिन कम निकले बेटा है ना, उसको बोलते हैं बेटा, तब क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने लगेगा लंग्स, एल्वियोली कोलैप्स होने लगेगी, सरफेस एरिया रिड्यूस करने लगेगा लंग्स का, क्योंकि ये कोलैप्स होने सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिलीज होने लगेगा है ना। तो जो डिजीज कॉज करता है बेटा, ये जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं बेटा हम इम्फाइजेमा, क्या बोलते हैं इम्फाइजेमा। वैसे डिसऑर्डर्स में हम फिर से इसको बताएंगे आप लोगों से, इम्फाइजेमा डिजीज होता है बेटा स्मोकिंग से, ड्यू टू रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोली, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ओके। अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो होती है मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है बेटा, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.0001 माइक्रोमीटर की, वैसे याद रखो तो ठीक है, तो इसको एक बार और रिपीट करने वाले हैं ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बेटा इस तरह के साथ, अगर मान लो किसी न्यू बॉर्न बेबी में लेसिथिन ना हो तो क्या होगा बेटा, पहली बात तो याद रखो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बेटा वो अपना फर्स्ट ब्रीदिंग कब लेता है, ब्रेथ कब करता है बेटा, आफ्टर बर्थ, क्योंकि बेटा बिफोर बर्थ वो जो रिस्पायर करता है वो मदर्स के ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेता है थ्रू प्लेसेंटा, बात समझ आ गई। तो हमें ये आइडेंटिफाई, मान लो किसी न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसकी आफ्टर बर्थ डेथ हुई है या बिफोर बर्थ, तो हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, उस पोस्टमार्टम में देखते हैं बेटा उसका करके कि लंग्स के एल्वियोली में अगर एयर है तो एयर है इसका मतलब क्या किया था उसने, ब्रीदिंग जस्ट स्टार्ट कर चुका था न्यू बॉर्न, तभी तो एयर वहां से पहुंची, और ब्रीदिंग स्टार्ट कब होती है आफ्टर बर्थ, मतलब आफ्टर बर्थ डेथ हुई है, अगर एयर नहीं है एल्वियोली में तो बिफोर बर्थ उसकी डेथ हो चुकी है, ये बात आपको समझ आ गई। अब अगर मान लो किसी न्यू बॉर्न बेबी में लेसिथिन की लेयर ना हो तो पहली ही ब्रीदिंग में क्या हो जाएगा बेटा, लंग्स कोलैप्स कर जाएगा और न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, इन सम न्यू बॉर्न, इन सम न्यू बॉर्न बेबी है ना, ये क्या होता है बेटा, क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा एब्सेंट होने पे, कॉज फीटल, मतलब कि है ना इसकी डेथ हो सकती है फीटल, ड्यू टू कोलैप्सिंग लंग्स, लंग्स के कोलैप्स होने से ये फीटल हो सकता है ना, उसकी डेथ हो सकती है, पॉसिबल है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चे, एस आर नो लिखो तो आगे मैं बढ़ू, या सो गए सारे जग रहे हैं, नवदीप विशेष लवीस रवि रंजन बहुत बढ़िया,
और जागते रहो, वैसे ही हम हवा में पढ़ा रहे हैं, आप लोग सामने तो हो नहीं है ना, थोड़ा सा एहसास दिलाते रहो मेरे को कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मतलब लाइव क्लास चल रही है, थोड़ा मुझे भी फील आया बेटा, है ना, मुझे भी फील आना चाहिए ना कि आप लोग सामने बैठे हो। सर लेथिस एनालॉगस टू कार्टिलेज रे? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, एनालॉगस क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग और काम सेम, ऐसा कुछ नहीं है प्रणव। हाँ बेटा, इमोजी ही कम से कम भेज दिया करो हंसने वाला, तो मैं समझ जाऊंगा, बढ़िया ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हमने वो देखा नहीं कुछ अभी तक। लंग्स, लंग्स को और क्या बोल सकते, बोलते हैं आप लोगों को पता है, पल्मोन्स, पल्मोन्स या लंग्स, बात देखी है। अरे वाह जी वाह, पल्मोन्स बहुत सही ठीक है। वेट कितना होता है बेटा इसका, राइट एंड लेफ्ट, थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों, है ना, दोनों के एक वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राइट लंग हमारा जो होता है बेटा वो 700 ग्राम का होता है, एग्जैक्टली नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है, छोटा मतलब कम ज्यादा हो सकता है, और लेफ्ट थोड़ा सा कम होता है बेटा, 600 ग्राम ठीक है, 600 ग्राम। लंग्स जो होता है बेटा वो कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर दो होते हैं, है ना, कहाँ होता है, इन थोरैसिक कैविटी, आइदर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ होता है हार्ट, लंग्स। डायग्राम बना लेते हैं, बेटा ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, मतलब यही मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग समझ लेना। बोथ लंग्स आर एक्सटर्नली सराउंडेड बाय फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बेटा बोलते हैं बॉडी वॉल को, है ना, उसी की है मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं, जो एक्सटर्नल लेयर है लंग्स के उसको बोलते हैं बेटा पैराइटल प्लीउरा, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जो बाहर बाहर है, पैराइटल प्लीउरा, दोनों में, ये भी इसमें भी और इसमें भी, पैराइटल प्लीउरा ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम एपेक्स बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं बेस, वो दो लेयर में वो सेकेंड लेयर होती है इसके बीच में बेटा, ऐसा दोनों में इसको बोलते हैं विसरल
प्लीवरा। तो जो लंग्स की बाहरी लेयर है बेटा, वॉल है, उसको हम प्लीवरा बोलते हैं, है ना, प्लीवरा। एक बात और, इन दोनों के बीच में बेटा एक फ्लूइड होता है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं बेटा प्लीवरल फ्लूइड। प्लीवरल फ्लूइड का काम क्या बेटा, रिड्यूस फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन बेटा, यहाँ कहाँ पर फ्रिक्शन होता है बेटा, है ये कंटिन्यू पल्सेटाइल ऑर्गन है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मूव कर रहा है, है ना, तो फ्रिक्शन तो होगा ही। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है जो फ्लूइड, उसको बोलते हैं बेटा प्लीवरल फ्लूइड, सेक्रेटेड बाय विसरल एंड पैराइटल प्लीवरा। एक बात है, अब देखो राइट लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट विद सेप्टम ऑब्लिक। देख लो ये ऑब्लिक सेप्टम है, थोड़ा तिरछा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टम, ऑब्लिक सेप्टम, ठीक है। तो ऑब्लिक सेप्टम इसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है, राइट वाले में भी ऑब्लिक सेप्टम होता है। ये देखो इसमें भी ऑब्लिक सेप्टम होता है, लेकिन इसमें एक सेप्टम और होता है, हॉरिजॉन्टल सेप्टम। देखो ऐसा राइट वाले में, ये कौन सा सेप्टम है बेटा, हॉरिजॉन्टल सेप्टम, ठीक है। अब इसके तीन पार्ट हो गए बेटा, इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा सुपीरियर लोब, ये कौन सा लोब है, सुपीरियर लोब, और ये कौन सा लोब है, इंफीरियर लोब। दो पार्ट होते हैं लेफ्ट लंग के, राइट लंग के तीन पार्ट हो गए बेटा, एक तो हो गया कौन सा, सुपीरियर लोब, और ये इंफीरियर लोब है, इंफीरियर लोब, और ये बीच वाला कौन सा है बेटा, मिडिल लोब। तो राइट लंग के तीन पार्ट हो गए, आप देख रहे हो सुपीरियर इंफीरियर एंड मिडिल, ठीक बात है, ओके। अब आपको पता है कि इसमें ऐसे ट्राइकिया आती है बेटा और दोनों में चली जाती है, ये तो डायग्रामेटिक में बना रहा हूं, ऐसे ट्राइकिया ये ब्रोंकी है, यहां पे बेटा हार्ट होता है, यहां पे क्या होता है, ये जो लेफ्ट वाला है लंग हमारा, यहाँ पे हार्ट होता है, जिससे कि लेफ्ट लंग जो है थोड़ा सा इधर से इसमें ग्रूव बन जाता है लेफ्ट वाले में। दिस ग्रूव इज कॉल्ड कार्डियक मींस हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक नॉट, NOTCH, नॉट, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉट। स्पेस बिटवीन टू लंग्स, ये जो स्पेस देख रहे हो, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, ये सारा स्पेस इज कॉल्ड मेडिया स्पीनम। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मेडिया स्पीनम, मेडिया स्पीनम कंटेन, अगर इसको लिख लिया हो तो मैं बता दूं, मेडिया स्पीनम कंटेन ट्राइकिया, ईसोफेगस, लिम्फैटिक वेसल्स एंड रिमेन्स ऑफ थाइमस, है ना। मेडिया स्पीनम कंटेन ट्राकिया, ईसोफेगस, लिम्फ वेसल्स एंड रिमेन्स ऑफ थाइमस,
थायमस एक ग्लैंड होती है, बाद में हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ये सारा कुछ होता है किसमें बेटा, मीडियास्टेम में, मतलब स्पेस बिटवीन टू लंग्स। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीरल फ्लूइड भी याद रखना, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना, मैंने लिखा है यहाँ, ये भी लिख देता हूँ, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, ठीक। अब एक ऑर्गन और होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा, जो लंग से रिलेटेड है, अगर वो ना हो तो लंग्स हमारा काम करना बंद कर देगा, ठीक है। वो कौन सा ऑर्गन है बेटा? मस्कुलर डायाफ्राम, ये देखो मस्कुलर डायाफ्राम, ऐसा ट्रायंगुलर शेप का अभी मैंने बनाया है इसको, हाफ सर्कल ऐसे ऐसे समझो आप, ये है बेटा मस्कुलर डायाफ्राम। अब एक चीज याद रखो, अगर ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जाएगा या ऊपर, बता सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो नीचे जाएगा, मतलब सरफेस एरिया इसकी कम होगी ना तो नीचे आ जाएगा, ठीक बात है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा, पूरे के पूरे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, मतलब डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ये आपको बताना है। व्हेन डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट देन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। बहुत से लोगों ने लिखा भैया इंक्रीज, काफी सारे लोगों ने लिखा इंक्रीज, हाँ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर, अच्छा इंक्रीज, ठीक है, पर्व गर्ग इंक्रीज, रवि रंजन इंक्रीज, नीचे जाएगा बेटा। आप फील कर सकते हो कि जब इंस्पायरेशन करते हो ना, सांस अंदर की तरफ लेते हो आप, तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है ना, और उस समय डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना बेटा इंस्पायरेशन का एक कारण है, ठीक है। इन केस टिटैनी एक डिजीज होती है बेटा, मतलब आप लोगों ने देखा होगा किसी के पैरों में कभी कभी, क्या उसको बोलते हैं, मतलब सेंसलेस होने लगता है एक सेकंड दो सेकंड दस सेकंड के लिए, या बहुत तेज पेन होती है ना, मतलब इसको बोलते हैं सेंसेशन ओनली परसेप्शन विदाउट सेंसेशन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन रिलैक्स नहीं हो रही है, और हाँ, और ऐसा कॉन्ट्रैक्शन अगर डायाफ्राम में हो जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। डायाफ्राम में बेटा अगर ओनली कॉन्ट्रैक्शन हो जाए विदाउट रिलैक्सेशन तो इसमें डेथ भी हो सकती है पर्सन की, क्योंकि ब्रीदिंग रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये केवल कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर ऊपर नहीं आया तो फिर एक्सपायरेशन नहीं होगा, एक्सपायरेशन नहीं होगा तो फिर इंस्पायरेशन भी रुक जाएगा, है ना, कितनी बड़ी बात है। तो कभी कभी जो हिकफिंग होती है, हिकफिंग हिचकी आना, उसको भी दूर करना चाहिए, पानी पी के दूर करो, चाहे जैसे भी दूर करो, या डर को दूर करो, लोग बोलते हैं डरा दो तो जिसकी बंद हो जाती है, क्योंकि वो न्यूरल से हो सकता है रिलेटेड हो, तो वो दूर हो सकती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक बात है ना। लेकिन आपने आंसर सही दिया बेटा, आप सब लोगों ने आंसर सही दिया, बढ़िया। ये डायग्राम मुझे लगता है आप लोगों ने बना लिया होगा, और यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको, फिर से लिखो, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैंने केवल स्ट्रक्चर बताया है बेटा, ठीक है। नवदीप एस, प्रणव, प्रणव रवि रंजन, परम गर्ग, बढ़िया, और सबको समझ में आ गया, बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब चलो हम लोग मूव करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के तरफ, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।
mechanism of breathing. बेटा यहाँ पे एक सिंगल बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, और उसी स्टर्नम से बेटा ये सारे के सारे जो रिब्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम से, और पीछे के साइड बेटा वो वर्टिब्रल कॉलम से ये सारे रिब्स अटैच होते हैं, है ना। तो ये मैं बना देता हूं, इस तरह की बोन होती है स्टर्नम, समझ रहे हो, और इसी से रिब्स निकले होते हैं ऐसा जो पीछे के साइड चले जाते हैं, है ना। ये सब मैंने क्या बनाया हुआ है, रिब्स, ये रिब है बेटा। इस रिब में दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, इसको हम कॉस्टल मसल्स बोलते हैं, और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक ऐसे ऐसे है तो दूसरा ऐसे ऐसे, है ना। मतलब ये जो हमें मसल्स जो है सारे रिब्स को जो जोड़ रहे हैं बेटा, इसको हम लिख देते हैं, इसको लिखता हूं मैं यहां इधर लिखता हूं इंटरनल तो समझ में आ रहा है, इंटरकॉस्टल मतलब कि जो कॉस्ट को जोड़ने वाला, रिब्स को जोड़ने वाला है कॉस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। दूसरा होगा मसल्स बेटा जो अब इसमें हम थ्री डायमेंशनल है वो दिखा नहीं सकते, और आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैकेनिज्म याद रखना है। इसको मैं ऐसे ऐसे रेड कलर से दिखा देता हूं, इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स याद होना चाहिए आप सबों को, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स होगा, ये बात आपको समझनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। और यहां पे होता है डायाफ्राम, डायाफ्राम अगर नीचे की तरफ जा रहा है बेटा तो हम ये बोलेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे रिलैक्स कर रहा है। अब एक चीज बताओ, ये देखो ये है एक कॉपी है मान लो, है ना, बुक है, बुक यहां पे मैंने एक रस्सी बांध दी है और यहां पर, ठीक है, रबड़ है ये, रबड़, ये रबड़ जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऐसे होगा, जैसे ही ये ऐसे फोल्ड होने लगा बेटा इसका वॉल्यूम बढ़ गया कि घटा, बढ़ेगा, अभी तो वॉल्यूम जीरो है, प्लेन है तो वॉल्यूम जीरो है, जैसे ही ऐसे होने लगेगा बेटा तो वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब इंक्रीज करेगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये वॉल्यूम बढ़ा, और जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा अगर इधर कोई हो रबड़ बैंड वो रिलैक्स होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स होगा, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों का ऐसा ही कुछ काम होता है, आप समझ लो। याद क्या रखना है वो मैं बताने जा रहा हूं अब, ठीक है, ये तो समझाने के लिए सिर्फ था। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बेटा पहला आता है इंस्पायरेशन, पहला है इंस्पायरेशन, या इसी को बोलते हैं बेटा इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब कि हवा को अंदर लेना, ठीक है,
इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, पहला एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स बेटा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल, कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल, ये बाहर की तरफ निकालेंगे है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल, ये कॉन्ट्रैक्ट केवल इंटर एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स कर रही है, इस टाइम पे जो इंटरनल है बेटा वो रिलैक्स करेगी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए है ना, पुल द रिब्स एंड स्टर्नम, पुल द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक बात है। दूसरा सेकेंड डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट या इसी को हम बोलते हैं कि फ्लैट हो गया, फ्लैट, ठीक है फ्लैट। तीसरा बेटा ये पूरी एब्डोमिनल मसल्स का भी तो रोल होता है, एब्डोमिनल मसल्स भी हमारे लंग्स को इंटरकॉस्टल मसल्स को डायाफ्राम को पकड़ के रखे हुए कनेक्टेड है, पकड़ के क्या मतलब कनेक्टेड है, तो डायाफ्राम मसल्स सॉरी एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स क्या होगा बेटा, रिलैक्स ड्यूरिंग दिस फेज है ना, ठीक है, टू अलाउ, इसको लिख सकते हैं रिलैक्स टू अलाउ, अलाउ डायाफ्राम टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एब्डोमिनल मसल्स डायाफ्राम को अलाउ कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक बात है ना, रिलैक्स होगी मतलब कुल मिला जुला के एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स होगी और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहां पे मैं क्या लिखता हूं, देखो दीज वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो, है ना, ये क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया इन लोगों ने, ठीक, जब वॉल्यूम इनका इंक्रीज कर दिया बेटा तो देन क्या होना चाहिए, देन प्रेशर विद इन द थोरैसिक कैविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर घटेगा बेटा, देन प्रेशर विल डिक्रीज इन लंग्स, देन अब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मूव करेगी, एटमॉस्फेरिक एयर मूव थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स ट्राइपिया एक्सेट्रा अप टू
alveoli, and this is called inspiration, and this is called inspiration. तो आपने देखा बेटा, आपने और पाथवे आप लोगों को पता है, इंस्पायरेशन का पाथवे आप लोगों को पहले से पता है कि किस तरह से कहां से कहां एयर जाएगी, ठीक बात है ना। अब एक चीज में देखो बेटा, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से इंस्पायरेशन शुरू हुआ है, इसलिए हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों को बोलते हैं बेटा मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। तो आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए, स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो, मैं बोल रहा हूं स्टार लगा के लिखो बेटा, मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, मसल्स आर प्रिंसिपल मसल्स ऑफ आर एरिया, प्रिंसिपल मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक बात है, समझ में आ गया। अब चलो बेटा, अच्छा पाथवे मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, कहां से कहां जाएगा मैं खुद बता दे रहा हूं, एक्सटर्नल नेस, नेजल कैविटी, इंटरनल नेस, फायरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकी, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एट्रिया, एल्वियो, ये पाथ आप लोग को पता होना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए। अब तो इतनी बार बोल दिया कि मैं उसे याद आसान हो गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा। अब हम चलते हैं एक्सपायरेशन की तरफ ना, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ये सारा कुछ नोट करना है, बिल्कुल नोट करना है सारा कुछ जो मैंने लिखा था, रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा उससे आप नोट कर लेना। वैसे जो लोग अभी के अभी कर रहे हैं वो और अच्छी बात है। अच्छा बेटा एक चीज मैं मुझे याद आया, चलो अभी बाद में डिस्कस करते हैं ना इसका, अभी बाद में डिस्कस करते हैं, चलो पहले एक्सपायरेशन कर लेते हैं। फिर दूसरा है बेटा एक्सपायरेशन, और इसी को बोलते हैं एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक बात है। मैंने बहुत पहले बताया था कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, और सॉरी इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन क्या है बेटा, पैसिव प्रोसेस है। तो इसमें पहले लिख लें हम, इट इज पैसिव प्रोसेस, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, पहला नंबर वन डायाफ्राम क्या करेगा बेटा, इसमें रिलैक्स होगा कि नहीं, ये तो बेटा रिलैक्स हो गया, उसने कॉन्टेक्ट किया था, इसमें रिलैक्स होगा। दूसरा अब इसमें बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या होगा बेटा, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पुश कर देगी, है ना, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगी बेटा, उसी का उल्टा, जितना इंस्पायरेशन लिखा था उसी का सब उल्टा लिखना है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तीसरा बेटा नंबर थर्ड एब्डोमिनल मसल्स,
ये क्या करेगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो फिर बेटा वन प्लस टू प्लस थ्री क्या करेंगे, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, देन इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपायरेशन, और ये पैसिव प्रोसेस होता है। अब यहां पे आप लोग देख रहे हो बेटा एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स आर कंसीडर्ड एज मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। लिख लो इसको, स्टार लगाओ बेटा और लिखो, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स आर and abdominal muscles are muscles of expiration, muscles of expiration, ठीक बात है, muscles of expiration। अब बेटा आगे कल करेंगे,